सोनिया गांधी के रिटायरमेंट को लेकर अटकले तेज। रायपुर में भावुक भाषण के बाद लगने लगे कयास। कुमारी शैलजा ने किया राजनीति से संन्यास लेने की बात को खारिज। कांग्रेस के रायपुर महाधिवेशन में पार्टी संविधान में हुए 85 संशोधन। महिलाओं ओबीसी एससी एसटी को 50% आरक्षण का प्रस्ताव। कांग्रेस वर्किंग कमेटी में अब होंगे 35 सदस्य। बिहार के पूर्णिया में महागठबंधन की रैली, बड़ी रैली 2024 को लेकर नीतीश कुमार बोले, हम लोग कर रहे कांग्रेस का वेट। वर्चुअली जुड़े लालू यादव ने कहा, बीजेपी कोई पार्टी नहीं, आरएसएस का मुखौटा। तेजस्वी और जीतनराम मांझी भी रहे मौजूद। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया एलजी मेयर और एमसीडी को नोटिस। स्टैंडिंग कमेटी के दोबारा चुनाव पर लगाई रोक। अदालत ने दिए सीसीटीवी फुटेज, अन्य दस्तावेज और मतपत्र सुरक्षित रखने के आदेश। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की L1 की परीक्षा संपन्न। जयपुर, अलवर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर में नेटबंदी। कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा ने जोधपुर में पेपर लीक को बताया अफवाह। राजस्थान के मरीजों के लिए बड़ी राहत, आज से प्राइवेट हॉस्पिटलों में RGHS और चिरंजीवी योजना में इलाज। उदयपुर में विकास और कानूनी दृष्टिकोण विषय पर संगोष्ठी। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने किया उद्घाटन। कहा वर्चुअल कोर्ट और पेपरलेस होगी कानूनी प्रक्रिया। एसपी बघेल भी रहे मौजूद। बाबा श्याम का वार्षिक लक्की मेला का चौथा दिन, श्याम भक्तों की लंबी लंबी कतारें। बाबा का किया गया अलौकिक श्रृंगार।